चलिए गाइस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर टू। चैप्टर का नाम है प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हल्की सी ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्रेफरेंसेस। वी अज्यूम दैट व्हेन गिवन अ चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट बंडल्स द कंज्यूमर कैन मेक अ कंपेरिजन। अभी मैं सारा डिटेल में भी आपको सिखाऊंगा। वी विल मेक सम मोर अजम्पशंस टू फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। और आफ्टर प्रेफरेंसेस वी विल डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी फंक्शन। सो इन शॉर्ट अगर यूटिलिटी फंक्शन की बात करें तो वो भी हमने लिखा है। बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी आपको लेटर ऑन बताता हूँ। अ यूटिलिटी फंक्शन इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ कंज्यूमर फील्स अबाउट ऑल्टरनेटिव कंजम्पशन बंडल्स। सो ये बिल्कुल आपको बताया गया कि क्या क्या पढ़ेंगे। आफ्टर दिस वीडियो आई सिंसियरली होप कि आप समझ चुके होंगे ये सारा। तो आइए पहली बात करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिलेशन। तो सबसे पहला बेटा स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस। राजेश सपोज हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं ए एंड बी। ए में गुड वन के दो यूनिट्स हैं, गुड टू के तीन यूनिट्स और बी में थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली। तो सपोज मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन सा बंडल, कौन सा कॉम्बिनेशन ए या बी आप पसंद करेंगे। आपने मुझे कहा आई लाइक ए ओवर बी। मैंने कहा सोच लो। आपने कहा सोच लिया। आई लाइक ए ओवर बी। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहता है गुड टू मुझे ज़्यादा पसंद है और ए अगर लूँगा तो गुड टू ज़्यादा मिलेगा। इट कुड बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। वन कैन एक्चुअली से आई लाइक बी ओवर ए। सो इफ यू आर श्योर अबाउट वन कॉम्बिनेशन बींग प्रेफर्ड ओवर दी अदर विथ सर्टेनिटी, मेरा बच्चा, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस। सो ए ओवर बी में हम ऐसे दिखाते हैं ए स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर बी, बी ओवर ए में बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर ए। अब यही प्रेफरेंस इनडिफरेंट कब हो जाती है। सेम मैंने कॉम्बिनेशन बोले आपको दिए, मैंने कहा बताओ भाई ए लोगे या बी, तो आपके लिए दोनों गुड समान है, सपोज गुड वन गुड टू, और आप देख ही रहे हो कि अगर आप ए से बी मूव करते हो एक गुड बढ़ जा रहा है एक गुड कम हो रहा है, तो इट हार्डली मैटर्स टू यू। तो अगर आप मुझे ये कहते हो सर कोई भी दे दो यार, ए दे दो बी दे दो, सब सेम है हमारे लिए। सो ऐसी प्रेफरेंस को राजी हम कहते हैं कि आप इनडिफरेंट हैं अमंग दी कॉम्बिनेशंस। सो इधर ए और बी विल डू और बोथ आर सेम फॉर मी और आई एम इनडिफरेंट अमंग ए एंड बी, इसको ऐसे शो करना है ए इज़ इनडिफरेंट टू बी। अगली जो थर्ड है ये थोड़ी ना मतलब मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, बट बच्चों को कम समझ आती है ये, तो इसमें मैं एग्जांपल के साथ आपको सिखाने की मेरी कोशिश रहेगी। वीक प्रेफरेंस, तो अभी तक हमने देखा स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, फिर हमने देखा इनडिफरेंट और अब हम देख रहे हैं वीक प्रेफरेंस। तो आइए पहले इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। हेयर आउट ऑफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर सेम देन द कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, बट इफ ए एंड बी आर नॉट सेम देन ईदर ए विल बी प्रेफर्ड ओवर बी और बी शेल बी प्रेफर्ड ओवर ए। तो आपको लग रहा होगा सर आसान सा तो है, इसमें दिक्कत क्या है। ट्रस्ट मी ये आसान नहीं है। अब इसको शो कैसे करते हैं। ए इज़ वीकली प्रेफर्ड ओवर बी का मतलब है कि अगर ए और बी सेम है तो कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाएगा और अगर ए और बी सेम नहीं है तो ए विल बी प्रेफर्ड ओवर बी। तो सर ये भी तो हो सकता है बी इज़ प्रेफर्ड ओवर ए हो जाए, तो उसके लिए आप लिखो बी इज़ वीकली प्रेफर्ड ओवर ए। अगर आपने लिख दिया ए इज़ वीकली प्रेफर्ड ओवर बी तो दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर ए और बी सेम है तो आप इनडिफरेंट हो जाएंगे और अगर दोनों सेम नहीं है तो यू मस्ट प्रेफर ए ओवर बी। ऑल्टरनेटिवली इफ यू राइट एक्स इज़ वीकली प्रेफर टू वाई, इट शोज दैट कंज्यूमर इज ईदर प्रेफरिंग एक्स टू वाई और बींग इनडिफरेंट बिटवीन टू, सम कॉल इट प्रेफर्ड और इनडिफरेंट टू। तो कई बच्चों को लगता है ये पढ़ के कि अरे समझ आ तो गया, आसान सा तो है, बराबर है तो हम इंडिफरेंट हो जाएंगे, बराबर नहीं है तो हम यू नो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड हो जाएंगे। सर इसका एग्जांपल आपको करना जरूरी है क्योंकि केस स्टडी आ गई तो आप फंस जाओगे इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। आपको एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ। सपोज एक क्लास थी, आप ही लोगों की क्लास थी और मैंने बोला कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा मैं उसे 10,000 रुपीज़ दूंगा इनाम, ठीक है। चलो आपके एग्जाम्पल को और छोटा कर देते हैं, दो ही लोग हैं ठीक है आपकी क्लास में और मैंने कहा ये कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। अब अगर ए और बी दो बंदे थे, ए जीत गया तो किसे मिलेगा इनाम। सर ए को मिलेगा, वेरी गुड। अगर दोनों ही जीत गए तो सर मतलब दोनों के बराबर मार्क्स आ गए या जो भी क्राइटेरिया था दोनों ने सेम फुलफिल कर लिया। हाँ तो ऐसे केस में माइंडेड आई हैव ओनली वन प्राइज टू गिव, ऐसे केस में मैं ए और बी किसी को भी दे सकता हूँ बेटा।
ये है इसका मेन एसेंस. सो अगर ए और बी सेम है मेरे लिए आई विल बी इंडिफरेंट, अगर सेम नहीं है तो आई विल बी प्रेफरिंग ए ओवर बी. तो सर अगर बी जीत जाता तो, खाली बी जीत जाता तो आई वुड नॉट हैव रिटन ए इज वीकली प्रेफर्ड ओवर बी, आई वुड हैव रिटन बी इज वीकली प्रेफर्ड ओवर ए. समझ गए बेटा? तो आपको एक एग्जाम्पल और दे देते. सपोज एक कोच आए और कहते हैं यार मेरे को टीम चुननी है एंड आई पिक द वन हु इज द फास्टेस्ट. तो सपोज रमेश बाबू जो थे ना, रमेश बाबू फर्स्ट आ गए, अकेले सबको पछाड़ दिया उन्होंने. तो आप बताइए हु इज द फास्टेस्ट? सर रमेश. तो हिल पिक रमेश. ठीक बात है. अब सपोज रमेश और सुरेश दोनों ने इक्वल स्पीड निकाली, अब कोच साहब क्या करेंगे? कोच साहब विल बी इनडिफरेंट. वो रमेश को भी ले जा सकते हैं, सुरेश को भी, प्रोवाइडेड हम ये मान के चल रहे हैं दैट देर इज ओनली वन, यू नो वन क्या बोलते हैं प्लेस, जिस मतलब एक ही बंदे को ले जा सकते हैं. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं अजम्पशंस पर. तो पहले कंप्लीट. देखो मैंने आपको अगेन दो कॉम्बिनेशन दिए ए और बी. मैंने बोला भाई देखो क्या पसंद है. तो कोई ये कह सकता है, किसी की स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस हो सकती है, बोले जी आई लाइक ए ओवर बी या आई लाइक बी ओवर ए. कोई इनडिफरेंट हो सकता है कि यार मेरे को ए बी कोई भी दे दो. लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते दैट आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता ए बी में से कौन सा अच्छा है या मेरे को कौन सा चाहिए. कंप्लीट का मतलब ये है दैट एज अ कंज्यूमर यू शुड बी एबल टू रैंक डिफरेंट बंडल्स, यू शुड बी एबल टू टेल मी व्हाट योर प्रेफरेंसेस आर. बच्चा कहता है ये कोई मतलब ज़बरदस्ती है क्या, बंदूक लगाओगे आप मेरे ऊपर मेरे से जानने के लिए? अरे भाई बंदूक नहीं लगाना. आप जैसे आगे बढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ोगे कंज्यूमर ऑप्टिमल, ठीक है, कुछ लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं उसको. हाँ सर तो इससे उसका क्या लेना देना? एक बात बताइए, कंज्यूमर ऑप्टिमम या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. हाँ सर तो इससे उसका क्या लेना देना? अरे मेरे भाई तू एज अ कंज्यूमर अगर यही नहीं जानता तुझे क्या चाहिए तो मैं तेरा बेस्ट बंडल तेरे को दूंगा कहाँ से? हाँ सर ये तो सही कह रहे हो. सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ. तू मेरे घर आया मेहमान, मैंने कहा भाई क्या लोगे? आपने कहा जी मुझे नहीं पता कुछ भी दे दो. तो मैं तेजाब पिला देता हूँ, पी ले भाई. फिर ये कैसी बात कर रहे हो सर, ये कोई बात होती है? तो भाई फिर बता ना, यू शुड बी एबल टू टेल मी योर प्रेफरेंसेस. ये है इस अजम्पशन का मतलब. सेकंड है जी ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव आपको बचपन से सिखाया गया, देख भाई अगर ए बी से बेटर है, बी सी से बेटर है तो ए सी से बेटर है. हाँ सर. अब इस अजम्पशन को हमने थोड़ा अलग तरीके से सीखना है बेटा, ध्यान देना. सो मैंने कहा दिल्ली या दुबई? आपने कहा दिल्ली. दिल्ली मेरी जान. ओके भाई. दुबई और पेरिस? सर दुबई, बुर्ज खलीफा. तो भाई अगर तेरे को दिल्ली और दुबई में दिल्ली बेटर लग रही है, दुबई और पेरिस में क्या लग रही है बेटर? सर मेरे को दुबई बेटर लग रही है. ठीक है, दुबई बेटर देन पेरिस. बोलो सही बात नहीं? अब फिर दिल्ली और पेरिस में क्या बेटर होना चाहिए? सर ऑब्वियसली दिल्ली. भाई ऐसा है रियल लाइफ में इट मे नॉट बी. सर क्या बात कर रहे हो, क्यों? मेरे से तो पूछ दिल्ली दुबई, दिल्ली दुबई पेरिस, दुबई पेरिस दिल्ली पेरिस. आप कहोगे सर आप पागल हो. पागल क्यों भैया, मेरी प्रेफरेंस मेरी मर्जी. पेरिस और दिल्ली में मुझे पेरिस पसंद है, बोल क्या करेगा. तो दिल्ली और दुबई में तो आपको दिल्ली पसंद है. हाँ मेरी मर्जी भाई, माई लाइफ माई रूल्स. तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, ट्रांजिटिविटी फिर ना रखें? ट्रांजिटिविटी फिर भी रखनी पड़ेगी. सर ये क्या बात हुई, बताता हूँ. अगर आप ट्रांजिटिविटी रियल लाइफ में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे ट्रांजिटिविटी है. वाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज मेरा बेटा अगर मैं तीनों को साथ में रख दूँ, दिल्ली दुबई पेरिस, और तू दिल्ली पिक करे तो दिल्ली से बेटर तो तेरे लिए पेरिस है. दुबई पिक करे दुबई से बेटर तो दिल्ली है. पेरिस पिक करे पेरिस से बेटर तो दुबई है. हाँ सर तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ काका अगर ट्रांजिटिविटी नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू पिक योर बेस्ट बंडल. तो फिर वही बात हो जाएगी, अगर तुझे ही नहीं पता तेरा बेस्ट क्या है तो मैं तेरे को कंज्यूमर ऑप्टिमल कैसे दूंगा भाई. थर्ड है रिफ्लेक्सिव, जो आपकी नई अब की रीडिंग्स में है नहीं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए. एज गुड एज इट सेल्फ. सपोज ये मार्कर है, भाई ब्रांड ही नहीं है इसको, तो चलो एक मार्कर है सेम ऐसा ही मार्कर सामने दुकानदार दे रहा है, ये भी सपोज ब्रांड नहीं है उसके पास भी ब्रांड नहीं है, तो आई विल बी इनडिफरेंट बिटवीन देम. रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है एज गुड एज इट सेल्फ. अगला बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. इसके बारे में जितना कूड़ा दिमाग में भरा होता है बच्चों के, आई एम सॉरी, उतना शायद ही किसी को लेके होता हो. इतना गलत पढ़ के आते हैं. पूछो जी इंडिया टॉप करा है मैंने जी, मैं SRCC का टॉपर हूँ जी, मैं LSR की टॉपर हूँ जी. विद ड्यू रिस्पेक्ट पूरे हिंदुस्तान का हाल खराब है इस वाले टॉपिक पर.
बताता हूँ क्या है। क्या बात करो सर, चैलेंज मत करना, मेरे को सब कुछ आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। अच्छा बेटा बता क्या पता है। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स मोर इज़ बेटर। सर सपोज आपके पास दो बंडल हैं 8-10 और 12-10, तो कौन सा लोगे? मैंने कहा 12-10। तो सर यही होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोर इज़ बेटर। ओ भाई रट्टू पोपट, ये तो सबको पता है। इम्प्लीकेशन क्या होती है, 9 out of 10 किड्स, मे बी 10 out of 10 किड्स पूरे हिंदुस्तान से पकड़ लो और उनसे पूछो बेटा आईसी की टर्म्स में मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या यूज़ होगा, तो वही रटा रटा है आंसर, जो कि गलत है, लेकिन बच्चों को 11th 12th में यही पढ़ाया गया है। सर आंसर तो बताओ। मैं क्या, तुझे पता है तेरा आंसर? नहीं सर आप बताओ। बच्चा कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ आईसी का मतलब है हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। हाँ सर यही होता है। अबे ये नहीं होता मेरे भाई, पढ़ो। इट इम्प्लाइज मोर इज बेटर इन टर्म्स ऑफ आईसी, इट इम्प्लाइज दैट आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बात कर रहे हो सर, अब मैं जो तेरे को जिस तरीके से प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ना, किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से। चलो जी शुरू करते हैं, प्रूफ करूँगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैसे आईसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाती है। बेटा सपोज राजे मैं आपको कहता हूँ ये कॉम्बिनेशन है ए, जिसमें ये X1 मिल रहा है और ये X2 मिल रहा है, ठीक है? ठीक है सर, ए बेटर के बी। सर बी, मैं क्यों कह रहा है, एक्स ज़्यादा है सर, वाई सेम है। अच्छा तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस मोर इज़ बेटर। हाँ सर हाँ। ए बेटर के सी, सर सी 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 क्यों सर, गुड वाई ज़्यादा है, गुड एक्स सेम है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हाँ सर यस। ए बेटर के डी, सर डी सर दोनों गुड ज़्यादा हैं ए के मुकाबले, सर ये बेटर है सर, ये बेटर है। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हाँ सर मोर इज़ बेटर। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चार हिस्से बना देता हूँ, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है? तो ये जो क्वाड्रेंट 3 है, अगर मैं इसमें एंट्री करता हूँ तो मैं ये स्माइली डाल देता हूँ, है ना, मैं खुश रह जाऊँगा। खुश क्यों, क्योंकि ए के मुकाबले बी भी अच्छा है, सी भी अच्छा है, डी भी अच्छा है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ए बेटर के ई, सर ए क्यों, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ए बेटर के एफ, सर ए बेटर सर, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ए बेटर के जी, अरे सर ए मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोर इज़ बेटर। यानी अगर मैं क्वाड्रेंट 1 में आता हूँ इस वाले में, तो मैं ऐसे थोड़ा सैड वाला स्माइली बना देता हूँ, आई विल बी सैड, वाई क्योंकि ए के मुकाबले तो सारे बेकार हैं। सर कहना क्या चाहते हो सर, बता रहो मेरे भाई। इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या पढ़ा है आपने? सर इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जिस पर वो सारे कॉम्बिनेशन हम दिखाते हैं जिस पर कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है सभी पॉइंट्स पर, सभी कॉम्बिनेशंस पर, सभी बंडल्स पर। ठीक बात है भाई, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार। तो एक बात बता, क्वाड्रेंट 3 में बी सी डी क्या ए के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? ना सर, ना ना ना। क्वाड्रेंट 1 में ई एफ जी क्या ए के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? ना ना सर, बिल्कुल नहीं। कहाँ बराबर दे रहे सर, बिल्कुल गलत बात है सर। ठीक है, नहीं दे रहे ना बराबर? हाँ सर नहीं दे रहे सर। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया, क्वाड्रेंट 2 और 4। हाँ सर, एक मिनट के लिए ये मान ले कि 2 और 4 में जो कॉम्बिनेशन आएंगे ना, वो तुझे ए से बराबर भी दे सकते हैं, ए के बेटर भी दे सकते हैं, ए से कम भी दे सकते हैं यूटिलिटी। सर मैं ऐसे कैसे मान लूँ? अरे मैं प्रूफ करूँगा भाई, तू एक मिनट के लिए मान ले कि क्वाड्रेंट 1 में तो पक्का वर्स ऑफ है हम, क्वाड्रेंट 3 में पक्का बेटर ऑफ है। एक मिनट के लिए मान ले कि क्वाड्रेंट 2 और 4 में, रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट 2 और 4 में हम बेटर ऑफ भी हो सकते हैं और वर्स ऑफ भी हो सकते हैं और ए के बराबर सेटिस्फेक्शन भी ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आप कहते थे चलो मान लेता हूँ, मान ले भाई, थैंक यू भाई। तो अगर तूने मान लिया ये, तो फिर ए के बराबर वाले जो ऑप्शंस हैं वो तो क्वाड्रेंट 2 और 4 में ही पॉसिबल है। हाँ, तो इसलिए आईसी यहाँ से गुजरेगा, आईसी हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। और गाली मत दे भाई, गाली मत दे, प्रूफ कर रहा हूँ मैं। मन में आपकी गाली निकली होगी ना, ये क्या बात हुई, ये क्या तरीका है। प्रूफ कर रहा हूँ मेरे भाई, प्रूफ कर रहा हूँ। ये एक अगर आईसी है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, अगर इधर जाओगे तो बेटर ऑफ, इधर जाओगे तो वर्स ऑफ। हाँ सर, अब यही आईसी देखो, अगर यहाँ आओगे तो गुड स्माइली हैप्पी वाली, यहाँ होगे तो सैड हैप्पी सैड, और अगर इधर ही रहोगे तो क्या हो जाओगे, इनडिफरेंट। यही तो मैंने बोला था ना, क्वाड्रेंट 2 में आप ऐसे बेटर भी हो सकते हो, ऐसे वर्स ऑफ भी और ए के बराबर भी। क्वाड्रेंट 4 में भी ऐसे बेटर भी हो सकते हो, ऐसे वर्स ऑफ भी और ए के बराबर भी। तो इसलिए
आपको याद रखना है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपे। ये कई तरीके नहीं मिलेगा तेरे को। पांचवी प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्सिटी फॉर इंडिफरेंस कर्व। सो इट इंप्लाइज दैट एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये भी आपको सिखाता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। आपकी करेंट रीडिंग्स आई एम सॉरी टू से दे आर नॉट अप टू द मार्क, तो ध्यान से आप यहाँ से सीख लें। सपोज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। ए में सपोज आपको मिल जाता है 2 और 8 यूनिट्स, इसमें मिल जाते हैं सपोज 5 5, इसमें सपोज मिल जाता है 8 2, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर आप एवरेजेस प्रेफर करते हो, सो सपोज यू प्रेफर एवरेज ओवर एक्सट्रीम्स, तो एवरेज बंडल कौन सा दिख रहा है इसमें, ए बी या सी या बी, मतलब कौन सा दिख रहा है, सर बी। तो अगर एवरेज इज द प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम ना, तो आपका आईसी ऐसा बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सर ये क्या बात हुई, बताता हूँ ना मेरा बच्चा, ये आईसी है, ये इसका प्रेफर्ड जोन है, तो ये जो बी पॉइंट है विच इज एवरेज, ये प्रेफर्ड जोन में आ रही है, आप देखो उसके ऊपर आ रही है। सो एवरेज इज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम का मतलब है, मतलब आई सी की कॉन्वेक्सिटी का मतलब है एवरेज इज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। सर ये क्यों बनाए बताता हूँ मेरे भाई। सपोज अगेन मैं बोलता हूँ ए बी सी, वही 8 2 5 5 2 और 8। अब यहाँ पे बच्चे आपने मेरे को बोला कि यू डोंट लाइक एवरेज ओवर एक्सट्रीम, यू प्रेफर एक्सट्रीम ओवर एवरेज। मैंने का मतलब कह रहा मेरे को ए या सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो ऐसे में आपको ऐसा डाइल्यूटेड आईसी बनेगा मेरा बच्चा, ऐसा 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 ऐसा। ये कैसा आईसी है, अरे भाई यू शेप भी होते हैं आईसी, अरे यू शेप तो एवरेज कॉस्ट होती है सर। अरे बेटे लिटिल नॉलेज इज ब्लिस, धीरे धीरे आगे बढ़ मेरे साथ, तेरे को आईसी यू शेप भी दिखाएंगे। तो ये डाइल्यूटेड आईसी क्यों है, बिकॉज दिस गाय इज लाइकिंग ए, ये ए पॉइंट के लिए, ये सी ओवर बी, तो बी जो है यहाँ पे वो आप खुद अगर नोटिस करो, ये ऐसा आईसी आपका, हाँ सर, तो बी जो है ना वो वर्स ऑफ रीजन में आ जाएगा, देखो ठीक है। एक और केस, अगेन एक्सट्रीम आप प्रेफर कर रहे हो ओवर एवरेज, इस केस में कंप्लीट ही मैं ये लिख रहा हूँ ए बी सी। आपने कहा भैया मेरे को ए या सी दे दो, बी चाहिए ही नहीं, एवरेज चाहिए ही नहीं, इस केस में ऐसा आईसी बनेगा, ठीक है। मुझे पता है तेरे को बचपन में रटवा दिया गया था इंक्रीजिंग एमआरएस होगा तो पीपीसी कॉनकेव होगा, उस दुनिया से बाहर आ जा भाई, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। सर ये ऐसा क्यों नहीं बन सकता कॉन्वेक्स, तो फिर बी प्रेफर्ड जोन में नहीं आ जाएगा। हाँ तो बी तू प्रेफर कहाँ कर रहा है, यू आर प्रेफरिंग एक्सट्रीम ओवर एवरेज। अगर मैं इसको कॉन्वेक्स बना दूंगा, यू विल अगेन बी प्रेफरिंग एवरेज ओवर एक्सट्रीम, उस केस में तो कॉन्वेक्स बनता ही मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जो आपकी रीडिंग बताती ही नहीं है। देखो पहली जो 3 अजम्पशंस हैं, कंप्लीट ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, दे आर सो बेसिक कि इसको एक्जियम्स बोला जाता है। ये हर टाइप की प्रेफरेंस में लगेंगी, चाहे नॉर्मल गुड हो, चाहे सब्सिट्यूट, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री, चाहे डिस्क्रीट गुड्स हो, चाहे कोजाई लीनियर हो, मतलब बहुत सारी वेरायटी में लग जाएगी। ये जो है ना मोनोटोनिसिटी और कॉन्वेक्सिटी फॉर इंडिफरेंस कर्व, ये जो दो हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस। तो अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए अजम्पशन बताओ तो 5 बतानी है, पेपर में आए एग्जाम बताओ तो पहले 3 बताने, पेपर में आ जाए वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस बताओ तो 4th और 5th। अब जो 5th है, आपने क्या बोला एवरेज इज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, इसका मतलब आईसी इज कॉन्वेक्स। मैं इसका एक और तरीका बताऊं आपको, आप बचपन से ही एवरेजेस ही प्रेफर कर रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाते थे, हाँ बनाते थे सर, यहाँ पे होता था, हाँ तो भाई एवरेज ही तो है ये। ओ हाँ सर, एक और फायदा बताऊँ एवरेज रखने का, अगर आपके पास एवरेज है ना, तो आपके पास दोनों गुड्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम अमाउंट में है, हाँ सर, तो यहाँ पर अगर आप एक बायर और सेलर की तरह देखो, तो अगर किसी गुड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हो, कोई सस्ता हो जाता है तो आप बाय कर सकते हो, बिकॉज यू हैव बोथ गुड्स विद यू। अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाओगे और वही पर्टिकुलर गुड अगर आप सेलर और बहुत सस्ता हो गया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, और अगर आप बायर और आपके पास एक गुड कम है और वो बहुत महंगा हो गया तो फिर आपको खरीदने में बहुत नुकसान हो जाएगा।
ये जो लास्ट चीज़ मैंने बोली है ये आपको तब समझ आएगा जब आप मेरे साथ इंटरटेम्पोरल वाले कॉन्सेप्ट्स करोगे, जहाँ पर यहाँ पे तो आप सिर्फ कंज्यूमर समझ रहे हो ना अपने आप को, कंज्यूमर सेलर दोनों समझा जाता है कुछ सिचुएशंस में। उस केस के अंदर आपके पास एवरेज होना जरूरी है। एवरेज का मतलब यू हैव बोथ द गुड्स इन मोर और लेस सेम क्वांटिटी, सो दैट अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता और दूसरे का घटता भी है तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में जाते हो, सपोज आप ए पर हो, आपने खाली गुड वाई ले लिया और गुड वाई का दाम एकदम गिर गया तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए इट्स बेटर टू हैव एवरेजेस, और एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ आईसी, इम्प्लाइज आईसी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो मैंने इस चैप्टर का यहाँ तक ये पार्ट आपके लिए तैयार किया है, इसका पार्ट टू भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। मीनवाइल अगर किसी को भी मेरे एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, ग्रुप फ्री ग्रुप होता है हमारा, कोई पैसे चार्ज नहीं करते हम आपसे, एक फीस जरूर होती है कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछें और अच्छे मार्क्स लें। तो मैं अपना एक फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और बेटा मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, एक्स्ट्रा अपने नोट्स वगैरह सब दे दूंगा। ये तो बहुत कम है ना, एक्स्ट्रा नोट्स बड़े सारे हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, फ्री हैं, कोई मार्केट गिमिक नहीं है बेटा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।